माँ दुर्गा का आखिरी रूप देवी सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति है। सिद्धियाँ हासिल करने के उद्देश्य से जो भी साधक नवमी के दिन भगवती देवी सिद्धिदात्री की पूजा करेगा, उसे अपने कार्य में सफलता जरूर मिलती है। सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को ही सिद्धिदात्री कहा जाता है। अक्सर नवरात्रि के नौवें दिन जीवन में यश, बल और धन की प्राप्ति के हेतु इन्हीं की पूजा की जाती है तथा नवरात्रियों की नौ रात्रियों का समापन इन्हीं की पूजा के साथ होता है। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। देवी की चार भुजाएं हैं। दाई भुजा में माता ने चक्र और गदा धारण किया है। माँ की बाई भुजा में शंख और कमल का फूल है। प्रसन्न होने पर माँ सिद्धिदात्री संपूर्ण जगत की रिद्धि सिद्धि अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। देवी पुराण में माँ सिद्धिदात्री की कथा के बारे में बताया गया है कि भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की ही कृपा से सारी सिद्धियाँ प्राप्त की थी। सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ है। इसी कारण से उन्हें अर्धनारेश्वर नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन देवी का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री माता कमल पर बैठी है। माता के इस रूप की पूजा केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर भी करते हैं। अगर इनकी पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्ति सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है। माँ सिद्धिदात्री के वैसे तो कई नाम हैं। इनमें अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सृष्टि, भावना और सिद्धि शामिल हैं। प्राचीन शास्त्रों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व नामक आठ सिद्धियाँ बताई गई हैं। ये आठों सिद्धियाँ माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। आपको ज़रूर याद होगा, हनुमान चालीसा में भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। माँ की आराधना से जातक को समस्त सिद्धियों, नवनिधियों की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि देखा जाए तो आज के ज़माने में इतना कठोर तप कोई नहीं कर पाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति तथा श्रद्धानुसार जब तप, पूजा, अर्चना करें तो माँ की कृपा उस पर बनी रहती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के नौ दिन माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। असुरों का संहार करना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का कारण है। नवरात्रि नौ शक्तियों से संयुक्त है। सृष्टि की संचालिका कहीं जाने वाली आदि शक्ति की नौ कलाएँ नवदुर्गा कहलाती हैं। इन पवित्र नौ दिनों में माता की पूजा अर्चना भक्ति पूर्वक करने से सभी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः।